आप थोड़ा सा पोलो के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जी आप आज यहाँ पधारे, थैंक यू सो मच सबको प्रोत्साहन देने के लिए। ये यहाँ पे हम हमने उदयपुर में पोलो की एक बार फिर से शुरुआत करने की कोशिश की है। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली एक छोटा सा पोलो ग्राउंड हमने यहाँ डेवलप किया है। आप अगर कैमरे को उस तरफ ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं खिलाड़ी घोड़े पे विराजे हुए हैं और प्रैक्टिस जारी है। तो ये अपने मेवाड़ का ये पहला ही होगा। मेवाड़ में हुक्म महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम पोलो काफी खेला जाता था। हाँ जी। आपको ध्यान हो तो क्लब के पीछे एक कॉलोनी है जिसका नाम है पोलो ग्राउंड। अच्छा अच्छा। वो स्टेट टाइम में पोलो ग्राउंड ही हुआ करता था। हाँ जी हाँ जी। और फिर उसके बाद एक दो पीढ़ी का गैप आने से पोलो उदयपुर से लुप्त हो गया। फिर श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने इसको रिवाइव किया। हाँ मेवाड़ में पोलो को एक अच्छे पेट्रोन के रूप में आगे आए और इंडिया में एंड इंटरनेशनली मेवाड़ को पोलो में वापस उजागर किया। अच्छा अच्छा। उन हमारे गुरु हैं लोकेंद्र सिंह जी घाणेराव, इंडिया कैप्टन कर चुके हैं। उनका बहुत प्रोत्साहन रहा, हम लोग सब वहीं से पोलो खेलना सीखे। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद क्योंकि काम में व्यस्तता और दूसरे कारणों से उदयपुर से बचाना कम होता है बाहर। हाँ जी। सोचा क्यों नहीं यहाँ एक छोटी सी फैसिलिटी डेवलप की जाए। हाँ जी। जिससे खेल से एक जुड़ाव बना रहे और जो यंग प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं। हाँ जी। और जिनको इंटरेस्ट है हॉर्सेज में। हाँ जी। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेवाड़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, उनको सिर्फ एक राइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो आई थिंक एक छोटी सी शुरुआत है, अब ईश्वर ने चाहा तो यहाँ से कई प्लेयर्स हम कंट्री को दे पाएंगे। बिल्कुल सर, आपका अच्छा प्रयास है, हमारी शुभकामना है। थैंक यू। आप ऐसे ही प्रयास करते रहें और अपने मेवाड़ का नाम रोशन हो। तो थोड़ा सा ये बताएंगे आप, जैसे ये जो अभी घोड़े हैं ये एक बार में कितने कितने घोड़े आते हैं इसमें? जनरली जो मीडियम लेवल पोलो होता है उसमें चार चक्कर होते हैं। हाँ जी। 7.5 मिनट का एक चक्कर होता है और हर चक्कर में आपको घोड़ा चेंज करना होता है। अच्छा अच्छा। उस गेम का पेस इतना होता है कि उस 7.5 मिनट में घोड़ा थक जाता, पूरा एग्जर्ट हो जाता है। हाँ जी। तो आपको हॉर्सेस रेगुलरली चेंज करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से एटलीस्ट एक प्लेयर को चार घोड़े तो रखने ही पड़ते हैं। हाँ जी। और कुछ अगर थोड़ी इंजरी हो जाए तो एक दो घोड़े टाइम बींग आउट भी हो जाते हैं। तो हर प्रोफेशनल प्लेयर तो 2-3 एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। है बहुत रिस्की गेम है, मैंने आज फर्स्ट बार देखा है और बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारे काफी प्लेयर हैं, ये कुलदीप सिंह जी, ये राठौड़ हैं। हाँ जी। आप भी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। कोविड की वजह से लॉकडाउन में। हाँ जी। उदयपुर ही भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा। खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यंग प्लेयर हैं। हाँ जी। काफी लोग यहाँ खेलते हैं, आप पधारे रूटीन में और प्रोत्साहन देते रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।